गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इंटीजर्स के एडिशन में के बारे में पढ़ा था कि कैसे इंटीजर्स को ऐड करें। आज की क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे। ओके, अब कैसे हम लोग इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये भी बहुत सिंपल है। जैसे एडिशन है वैसे सब्ट्रैक्शन भी है। ठीक है, क्या करेंगे अब हम लोग? सबसे पहले नंबर लाइन का यूज करके हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसके बाद फिर विदाउट नंबर लाइन करेंगे। तो नंबर लाइन आप लोगों को पता है, अब जरा हम लोग देखते हैं कैसे नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करें? जैसे 6 माइनस 5 हमें नंबर लाइन के थ्रू करना है, तो सबसे पहले हम लोग कहां जाएंगे? 6 पे आएंगे, आ गए। अब माइनस करना है, और क्या माइनस? क्या माइनस 5 करना है, तो हम लोग माइनस के लिए कहां बढ़ेंगे? लेफ्ट की ओर, तो माइनस कर देंगे। कितना? 5 बढ़ना है, तो 1 2 3 4 5 कहां पहुंच गए? 1, यानी 6 माइनस 5 क्या आया? 1। क्लियरली बात समझ में आया? 3 माइनस 2 क्या होगा? तो 3 पे पहले जाए, उसके बाद माइनस क्या करना है? 2 माइनस करना है, यानी कि हम लोग कहां बढ़ेंगे? 1 2 कितना आया? 1। क्लियरली बात समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से हम लोग माइनस करते। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमें माइनस करना हो कि -3 -2 क्या होगा, -3 -2 क्या होगा, तो -3 के लिए हम लोग -3 पे आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है? -2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा? कितना? -2, यानी कि 1 2 कहां पहुंच गए? -5 पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो कि -4 -3 तो क्या हो जाएगा? देखिए -4 पे आ जाए, ठीक, और -3 करें, यानी 3 यूनिट माइनस करना है, यानी 1 2 3 कितना आया? -7। क्लियरली बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी इसी तरीके से हम लोग माइनस करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि -1 -5 अगर हमें करना है, तो सबसे पहले -1 पे आ गए, अब हमें नेगेटिव में माइनस करना है, कितना? -5, तो 1 2 3 4 और ये 5 कहां पहुंच गए? -6 पे। क्लियरली बात समझ में आ रही है? तो इन केसेस में हम क्या देख पा रहे हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जब भी हमें माइनस करना हो रहा है तो ये दोनों टर्म ऐड हो जा रहा है और साइन किसका लग जा रहा है? नेगेटिव का लग जा रहा है। क्लियरली बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए 4 3 7 हुआ और साइन किसका लग गया? माइनस का। 5 1 6 हुआ, साइन किसका लग गया? माइनस का। क्लियरली बात समझ में आया? तो नंबर लाइन पे हम लोग इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब एक केस और आता है, अब वो केस है क्या कि अगर क्वेश्चन दिया है कि -2 -3 यानी अब हमें नेगेटिव इंटीजर में से नेगेटिव इंटीजर को ही सब्ट्रैक्ट करना है, तब क्या होगा? तो जब भी नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना होता है नंबर लाइन की हेल्प से, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि हमें राइट की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। क्या मतलब इसका? जैसे हमें -2 में माइनस करना है क्या? नेगेटिव इंटीजर को ही, यानी कि -2 ये हो गया यहां पे है, ठीक, यहां पे हम लोग हाथ रख दिए। अब माइनस करना है, चूंकि माइनस के लिए हम लोग लेफ्ट बढ़ते हैं, लेकिन कब? जब पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पे क्या कर रहे थे हम लोग यहां पे क्या कर रहे थे? नेगेटिव इंटीजर में से पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यानी कि 4 -+3 कर रहे थे हम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 4 में से 3 ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा माइनस का, है कि नहीं? क्या इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? इसमें हम लोग इधर की ओर बढ़ रहे थे। कब? जब पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब नेगेटिव इंटीजर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि देखिए -2 में से माइनस कर रहे हैं किसको? -3 को। तो जब भी नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी राइट साइड की ओर बढ़ते हैं। तो -2 है, अब इसमें से हमें -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग कहां बढ़ेंगे? आगे की ओर। कितना यूनिट? 3 यूनिट, यानी कि 1 2 और ये
तीन, कहां पहुंच गए वन पे, यानी माइनस टू माइनस ऑफ माइनस थ्री क्या आ गया वन। क्लियरली बात समझ में आया? ठीक, अगर एक और क्वेश्चन देखा जाए कि माइनस फाइव माइनस माइनस ऑफ किसमें माइनस थ्री, माइनस पांच में से माइनस तीन को घटाना है, ठीक, तो क्या मतलब हुआ इसका, माइनस पांच यहां आ गया और माइनस तीन, तो एक दो तीन कहां पहुंच गए माइनस दो के ऊपर। क्लियरली बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कर क्या रहे हैं हम लोग, ये जो माइनस ऑफ ये माइनस है ये मिलकर के क्या बन जा रहा है, प्लस बन जा रहा है, ठीक है, यानी कि माइनस ऑफ माइनस मिलकर के प्लस बन जा रहा है, यानी एक तरह से ये क्या बन गया माइनस टू प्लस थ्री, तो तीन में से दो जाएगा क्या होगा। क्लियरली बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसी तरीके से ये माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस ऑफ माइनस थ्री क्या बन गया प्लस थ्री बन गया, यानी माइनस फाइव प्लस थ्री क्या बन जाएगा पांच में से तीन जाएगा दो, और साइन किसका हो जाएगा बड़े वाले का। क्लियरली बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब हम लोग बिना नंबर लाइन को यूज किए सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो आइए हम लोग देखें कैसे बिना नंबर लाइन को यूज किए सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट फाइव फ्रॉम 12, क्या मतलब हुआ 5 फ्रॉम 12, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 घटाइए किसमें से 12 में से, यानी कि 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7। अगर दिया रहे कि सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 9, तो क्या लिखेंगे 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3। अगर दिया रहे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 में से 2 को घटाइए, यानी कि 1 में से 2 को घटाइए, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा केस आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑपरेशन किसका करेंगे माइनस का करेंगे, और देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव का केस आता है तो हम लोग क्या करते हैं ऑपरेशन करते हैं सब्ट्रैक्शन का, लेकिन साइन लगाते हैं बड़े वाले का, बड़े वाले मतलब कि बड़े वाला जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा किसका होगा माइनस टू का, है कि नहीं, तो दो में से एक जाएगा क्या होगा एक होगा, और साइन किसका लगेगा माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस टू है। बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, अब हम लोग देखें कुछ और क्वेश्चन, जैसे अगर दिया रहे कि 7 सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 3, तीन में से 7 को घटाना है, यानी कि 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 4, और साइन बड़े वाले का माइनस। क्लियरली बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहे जैसे सब्ट्रैक्ट माइनस 2 फ्रॉम माइनस 5, तो क्या करेंगे भाई, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि माइनस पांच में से घटाइए किसको माइनस टू को, तो ध्यान से समझिए माइनस पांच में से हम घटा दिए किसको माइनस टू को, तो ये देखिए ये माइनस टू ब्रैकेट में लिखाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब दो साइन हो गया माइनस माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या बन जाता है प्लस बन जाता है, अभी उससे थोड़ी देर पहले बताए, यानी कि माइनस फाइव प्लस 2। अब देखिए एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का जब भी केस आता है तो क्या होता है ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का होता है, लेकिन साइन होता है किसका बड़े वाले एब्सोल्यूट वैल्यू का, तो बड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू 5 का होगा, है ना, तो 5 में से 2 जाएगा कितना होगा 3, और बड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है और 5 का साइन क्या है माइनस। क्लियरली बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं कि जैसे सब्ट्रैक्ट माइनस 6 फ्रॉम माइनस 8, माइनस 8 में से माइनस 6 को घटाइए, क्या लिखेंगे माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 6,
यानी ये अंदर में माइनस माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी कि माइनस एट प्लस सिक्स, तो एट में से सिक्स जाएगा दो, लेकिन साइन किसका होगा, नेगेटिव वाले का, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर अब क्वेश्चन दिया रहे कि सब्ट्रैक्ट माइनस सिक्स फ्रॉम एट, इस तरीके से दिया है, तो क्या मतलब हुआ, एट में से माइनस सिक्स को घटाइए, तो एट में से माइनस सिक्स को कैसे घटाएंगे, तो एट में से हम लोग घटाएंगे माइनस ऑफ माइनस सिक्स, यानी कि एट प्लस सिक्स हो जाएगा, और आठ और छह कितना हो जाएगा, चौदह। क्लियरली बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपली हमें देखना है कि कभी भी अगर माइनस माइनस दो जगह आ गया, दोनों एक साथ आ गया, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है प्लस। क्लियरली बात समझ में आया, तो यहां पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, प्लस। क्लियरली बात समझ में आ गया आप लोग के? ओके, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहे कि सब्ट्रैक्ट सिक्स फ्रॉम माइनस एट, तो क्या करेंगे, किसमें से, माइनस एट में से सिक्स को घटाना है, तो माइनस एट में से सिक्स को घटा दिए, है कि नहीं, तो माइनस, अब देखिए माइनस 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 मिलकर के क्या बन जाता है, प्लस, यानी ऑपरेशन एडिशन का होगा लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का होगा, यानी आठ और छह मिलकर के क्या हो जाएगा, चौदह हो जाएगा, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का होगा। क्लियरली बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर दिया रहे कि माइनस फाइव फ्रॉम माइनस इलेवन, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, हम लोग लिखेंगे इलेवन माइनस इलेवन माइनस फाइव, तो देखिए इलेवन और फाइव कितना हो जाएगा, सिक्सटीन, साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। बात समझ में आ रहा है, हर केस पे मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं, आप लोग अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और क्वेश्चन जब भी मैं कराता हूं तो उन क्वेश्चन को आप खुद भी लिख करके उसको कीजिए। क्लियरली बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, उसके बाद समझने के बाद आप लोग बुक का क्वेश्चन करेंगे। क्लियरली बात समझ में आ गया? यानी कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन रहे तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। यानी मैंने अभी तक आप लोग को क्या क्या चीजें बता दी, अगर रहता है कि माइनस में से किसी नेगेटिव इंटीजर को घटाना होता है, किसी नेगेटिव में से नेगेटिव को घटाना होता है, तो क्या बन जाता है, यहां का नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर किसी नेगेटिव इंटीजर रहे और एक पॉजिटिव इंटीजर रहे और अब घटाना हुआ, तो हम लोग ऑपरेशन माइनस का करते हैं लेकिन साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले का लगाते हैं। बात क्लियरली समझ में आया कि नहीं? अगर दो पॉजिटिव इंटीजर रहे उसमें से उसको घटाना है, तो हम लोग चेक करते हैं, इसमें ऑपरेशन माइनस का करेंगे और ये देख लेंगे कि कौन बड़ा है। क्लियरली बात समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 आप लोग का होमवर्क, एक्सरसाइज 4.3 होमवर्क है, इसको बनाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी चीजें पढ़ेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, अच्छे से वीडियो को देखिए, और जो जो क्वेश्चन कराता हूं बोर्ड पे उसको आप लोग अपने कॉपी में भी करके देखिए कि क्या हो रहा है। बात समझ में आया ना? ठीक है, तो उसको करने के बाद आगे में उसको कीजिए। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।